स्टार्टिंग हमारे मेन लीड चेंग हाओ से होती है। दरअसल उसका एक बहुत ही बड़ा कॉन्सर्ट होता है। उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और उससे कहती है कि सर टाइम तो हो गया। यहाँ पर चेंग हाओ को कुछ थोड़ा सा विजन आता है कि उसके साथ कुछ अजीब सी हरकत हो रही है। उस टाइम वो इग्नोर कर देता है। उसके बाद जब वो स्टेज पर पहुँचता है तो उसे 2019 का बेस्ट सिंगर अवार्ड मिलता है। यहाँ पर वो परफॉर्मेंस देता है एंड जब वो परफॉर्मेंस देकर बाहर निकलता है तो उसके बहुत सारे फैंस उसका वेट कर रहे होते हैं एंड उसकी एक झलक देखकर सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो इतना ज़्यादा फेमस है ही। इसके बाद वो जाकर अपनी कार में बैठता है बिकॉज आज का उसका जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो चुका था। इसके बाद उसे घर जाना था एंड तभी हमें पता चलता है कि न्यूज़ आ रही थी कि आज अर्थ पर एक मेट्योर शावर होने वाली है। अभी कोई एक मेट्योर देखने को मिलेगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वजह से शायद कुछ मैजिक हो जाए। बातें चेंग हाओ को थोड़ी अजीब लगती हैं। इसके बाद जब ये सभी टनल में पहुँचते हैं, टनल का विजन चेंग हाओ ने कुछ टाइम पहले देखा होता है। यहाँ पर सच में उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वो पैरेलल वर्ल्ड में इंटर कर जाता है और ये टाइम 2017 का रहता है। और ये बात अभी चेंग हाओ को पता नहीं रहती। जब वो कार खोलता है तो उसमें एक लेडी बैठी होती है एंड उसे वो पहचान जाता है। बट तभी उसकी आँख अगले ही पल हॉस्पिटल में खुलती है। उसे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा होता है कि हॉस्पिटल, एक्सीडेंट, ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो उसे कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप हॉस्पिटल में हैं ना, अभी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर चेंग हाओ कहता है कि मेरे जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था वो लड़की कहाँ है। वहाँ पर एक वूमेन थी। यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि कार एक्सीडेंट नहीं, आपका ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप थोड़े इंजर्ड हैं ना, वहाँ पर तो कोई वूमेन थी ही नहीं, मुझे लगता है कि आपकी मेंटली हालत थोड़ी ठीक नहीं। इसके बाद जब चेंग हाओ बाहर निकलता है तो उसे लाओशी दिखती है, जिसको देखकर वो उसे पकड़ने लगता है। वो कहता है कि लाओशी तुम अच्छी बात है कि तुम मुझे मिल गई, मैं तो यहाँ पर पागल हो जा रहा हूँ। तभी वो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, आई यू आर राइट, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। यहाँ पर चेंग हाओ कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती। यहाँ पर लाओशी का जो रिएक्शन है वो थोड़ा ऑकवर्ड वाला रहता है, वो सच में उसे नहीं जानती। इसके बाद चेंग हाओ पागल हो जाता है एंड यहाँ पर वो एक इंसान को देखता है जो कि चिल्ला रहा होता है बिकॉज उसका एक्सीडेंट हो चुका था एंड इसके चेहरे पर थोड़े बहुत निशान लग चुके थे, जिसके बाद वो चिल्ला रहा था कि तुम सब लोग पागल हो, मेरा हैंडसम सा फेस खराब हो गया, अगर मेरे फेस को ज़्यादा कुछ हुआ ना तो तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद अब चेंग हाओ बाहर निकलता है डिप्रेस्ड बिकॉज जिस इंसान की पूरी दुनिया बदल गई होगी उसे बेचारे को क्या लग रहा होगा। अब ऐसा ही कुछ हमें भी लगेगा अगर हम पैरेलल वर्ल्ड में किसी और दुनिया में चले जाएं, जहाँ पर हमें अपने रिलेटिव्स मिले लेकिन वो हमें पहचाने बिल्कुल नहीं। इसके बाद चेंग हाओ बहुत परेशान रहता है। तभी लाओशी उसके पास आती है एंड लाओशी को चेंग हाओ थोड़ा अट्रैक्टिव एंड हैंडसम तो है ही, वो तो उसे उसमें क्वालिटीज नज़र आती हैं। इसके बाद उससे कहती है कि क्या तुम एक सेलिब्रिटी की लाइफ अफोर्ड करना चाहते हो। यहाँ पर चेंग हाओ पहले भी तो यही करता था तो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद लाओशी उसे ट्रेनिंग देती है बस, बट उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत तो होती नहीं है, वो सब कुछ बहुत वेल परफॉर्म कर देता है। जो चीज़ें लाओशी ने उसे बताई भी नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम के लिए वो आसानी से कर लेता था। तभी तो वो कहती है कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है एंड ये अब हमारी कंपनी का मनी मेकर है, अब इसे कहीं जाने भी नहीं दे सकते। बहुत ही जल्द चेंग हाओ लाओशी के साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है एंड वो पहले की तरह एक बहुत ही फेमस सिंगर बन जाता है, जिसकी आजकल सोशल मीडिया एंड पब्लिक में काफी ज्यादा रेपुटेशन थी। चेंग हाओ लाओशी के साथ कार में जा रहा होता है, तभी बॉटल से उसका हाथ कट जाता है और उससे खून निकलने लगता है। तभी लाओशी उसे कहती है कि देख कर, नहीं तुम कहीं ज्यादा इंजर्ड ना हो जाओ। तभी यहाँ पर पता चलता है कि पैरेलल वर्ल्ड में आने के बाद उसके इमोशन एंड उसका जो पेन है वो सब कुछ जा चुका है, उसे कुछ भी फील नहीं होता, चाहे उसे कितनी बड़ी चोट लग जाए उसे कुछ भी आज तक फील नहीं हुआ। इसके बाद अपनी कार में बैठा होता है तभी एक लड़का आकर उसके कार के शीशे में अपने आप को देखने लगता है। तभी चेंग हाओ को वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर लगता है और उससे लगता है कि ये तो मेरी बिल्कुल टू कॉपी है, मतलब उसका हम शक्ल। इसके बाद उस लड़के के पीछे भागता है लेकिन लाओशी मना करती है कि बाहर बहुत सारे फैन है, वो तुम्हें घेर लेंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है, वो लड़का तो भाग जाता है लेकिन बेचारे चेंग हाओ को सभी फैंस पकड़ लेते हैं एंड उसकी फ़ोटो खींचने लगते हैं एंड मीडिया तो होती ही क्वेश्चन पूछने के लिए। इसके चक्कर में चेंग हाओ को चक्कर आ जाते हैं, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड जिस इंसान की चेंग हाओ बात कर रहा था और दरअसल उसका नाम जियांग है, जो कि इस पैरेलल वर्ल्ड में उसका हम शक्ल है एंड उसी की तरह है, बट बेचारा फेमस तो नहीं है लेकिन उसकी जैसी शक्ल तो उसकी है। उसे बार बार कुछ लड़कियां एंड कुछ लोग चेंग हाओ समझ कर मिस्टेक कर जाते हैं कि ये तो चेंग हाओ है एंड वो भी इस बात से बाज नहीं आता कि मैं चेंग हाओ नहीं हूँ। वो कहता है कि हाँ बस तुम्हें थोड़े से पैसे देने होंगे, बाकी तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाओ, किसेस करो, एवरीथिंग जो तुम्हें करना है, उसके लिए थोड़ा कैश चाहिए पहले।
यहीं पर अपनी फीमेल लीड लिन की बात करें तो वो तो चेंगहाओ की बहुत ही बड़ी फैन होती है। लिन एक रिपोर्टर होती है तो उसका बस यही काम है सेलिब्रिटी को स्टॉक करना एंड उनका पीछा करना एंड उनकी प्राइवेट फोटोज लेना। इसके बाद क्या था, उसके जो बॉस हैं वो उसे फोर्स करते हैं कि तुम्हें चेंगहाओ के पीछे जाना चाहिए। तभी चेंगहाओ हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते से बाहर निकलता है ताकि कोई रिपोर्टर उसे फॉलो ना कर सके, बट लिन एंड उसका बॉस उसे देख लेते हैं। यहाँ पर लिन तो बस चेंगहाओ के पीछे बस उसे देखने के लिए लगी हुई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इसके चक्कर में उसे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसके बाद चेंगहाओ जाने लगता है, इन दोनों की कार उसे फॉलो करती है। चेंगहाओ को ये समस्या देर नहीं लगती कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, बिकॉज वो सेलिब्रिटी है, उसे इतना अलर्ट तो रहना ही पड़ता है। इसके बाद वो अपनी कार रोक लेता है कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं रहती। अभी वो हॉस्पिटल से आया था एंड वो इतना ठीक नहीं हुआ था। तभी उसका बॉस उसे लिन से कहता है कि तुम्हें जाकर देखना चाहिए। लिन जब उसे देखने के लिए जाती है तो चेंगहाओ बाहर निकलता है और कहता है कि तुम रिपोर्टर हो ना, तो मुझे स्टॉक कर रही थी, पीछा कर रही थी, तो इसका मतलब क्या है। इसके बाद लिन कहती है कि मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड उसके तो बोल ही नहीं निकलते उसके सामने, बेचारी क्या ही बोले। इसके बाद क्या था, अचानक से चेंगहाओ के हार्ट में पेन होने लगता है, छोटा सा हार्ट अटैक सा आ जाता है, मतलब इतना वाला नहीं कि मर जाए, बिल्कुल छोटू वाला। के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी लिन को लगता है कि मर तो नहीं गया, वो उसे टच करती है एंड उसके लंग्स को प्रेस करने की कोशिश करती है। वो साथ साथ में ये कहती है कि बॉस मुझे पता है कि आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, बट मैं गलत इंटेंशन से टच थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो आपको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद हार्ट को प्रेस करती है बट वो जागता नहीं है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद वो सोचती है कि अब और कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद वो उसके आगे बढ़ती है, उसे अपने माउथ से ऑक्सीजन देना चाहती थी। इतने में ही चेंगहाओ जाग जाता है एंड उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि तुम फ़ायदा उठाने में एक नंबर हो। तभी लिन कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, सच में मैं तुम्हारी ट्रू वाली फ़ैन हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी चेंगहाओ कहता है कि सच में बिल्कुल सच वाली। तभी लिन कहती है कि हाँ, मेरी शक्ल देख के नहीं लगता मैं हूँ इतनी क्यूट। तभी चेंगहाओ कहता है कि चलो अब फालतू की बातें मत करो एंड ये सब बातें किसी को बताना मत, अगर ये बातें फैली तो तुम्हारी तो खैर नहीं। यहाँ पर लिन कहती है कि तुम्हें लगता है मैं सब फैलाऊंगी, मैं तुम्हारी फैन जो हूँ। असल चेंगहाओ जब से पैरेलल वर्ल्ड में आया था वो चुप तो नहीं था, बिकॉज उसे ये चीज़ें काफ़ी स्ट्रेंज लग रही थी। वो 2 साल उसने पता नहीं कैसे काटे एंड अब वो इस पैरेलल वर्ल्ड के हिसाब से 2019 में ही था, बिकॉज 2 साल उसे इस वर्ल्ड में हो चुके थे। इसके बाद उसने काफ़ी सारी स्टडी की हुई थी पैरेलल वर्ल्ड के बारे में, बट बेचारे को कुछ भी कन्फर्म नहीं था। इसके बाद वो उस लड़के को ढूंढने के लिए लग जाता है जो कि उसके एकदम सिमिलर था। इसके बाद ये काम वो अपने एक असिस्टेंट को देता है। यहाँ पर हम जियांग को देखें तो वो हमारे लिन का बेस्ट फ्रेंड होता है एंड उसके साथ हमेशा रहता है। बेस्ट फ्रेंड तो कम, उससे वो पैसे ज़्यादा हड़पता रहता है। इसके बाद वो लिन के पास पहुँचता है एंड उसे बताता है कि मुझे यार पैसों की ज़रूरत है तो पैसे दे दो यार। तभी लिन कहती है कि एक मिनट, तुम ये एक बार नहीं कई बार कर चुके हो और पैसे लेकर फिर लौटाते भी नहीं हो, तुम तो बहुत बड़े वाले फ्रॉड हो। तब इसके बाद वो हमारी लिन को इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि तुम्हें पता नहीं है जिस बच्चे के माँ बाप बचपन में गुजर गए होंगे ना, उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा स्टेबल होती है कि बस तुम पूछो ही मत, मैं बता भी नहीं सकता। बाद बेचारी लिन इमोशनल हो जाती है एंड उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे बैठती है और ये गलती उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जिसके लिए अभी बाद में रिग्रेट करने वाली है। यहाँ पर वो उसका कार्ड लेकर भाग जाता है। तभी लिन कहती है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। तभी लिन के बॉस उसे बुलाते हैं। लिन को लगता है कि आज उसे पक्की डांट पड़ने वाली है, बिकॉज पिछली बार का काम उसने पूरा नहीं किया। उसे दरअसल चेंगहाओ की पर्सनल फोटोज लेनी थी। इसके बाद वो उसे एक मीटिंग में ले जाते हैं, उन सबको बताते हैं कि लिन बहुत ही बड़ी मिशन पर निकली है जो चेंगहाओ का सारा बायोडाटा निकाल कर रख देगी, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिन के तो तोते उड़ जाते हैं। वो कहती है कि ये मेरे बॉस नहीं, मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, मुझे किस काम में फंसा दिया यार जो मैं कभी नहीं करना चाहती। इसके बाद लिन को उसी कंपनी की न्यू मॉडल की असिस्टेंट बना दिया जाता है जो कि उसे मिल्क टी मंगवाती है। यहाँ पर लिन जब उसके लिए मिल्क टी लेने के लिए जाती है, एक मैसेज आता है, यांग ने उसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली कर दिया है, उसने इतने सारे पैसे निकाल लिए कि उसमें अब फूटी कौड़ी तक नहीं बची। तभी उसे जियांग दिखता है, वो जियांग को एक दे मारती है और कहती है कि मैंने इसलिए तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड दिया था। इसके बाद वो जियांग से अपना क्रेडिट कार्ड वापस मांगती है, बट जियांग उसे इस बात का धोखा देकर चला जाता है कि पीछे देखो चेंगहाओ आ रहा है। इसके बाद जब लिन पीछे देखती है तो जियांग वहाँ से भाग चुका था। चेंगहाओ भी उसी प्लेस पर अपनी फोटो शूट करवाने के लिए आया था एंड जब वो वहाँ पर बात ले रहा था तभी वहाँ पर जियांग भी बात लेने के लिए पहुँच जाता है। जब इन दोनों का आमना सामना होता है तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तभी जियांग कहता है कि चेंगहाओ तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। इसके बाद चेंगहाओ
उसे टच करता है, उसे थोड़ा झटका सा लगता है, बिल्कुल करंट वाला झटका। इसके बाद उसे लगता है कि इन दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। बाहर बहुत सारी मीडिया तो खड़ी होती है बिकॉज चेंग हाओ जो यहाँ पर है। इसके बाद वो कहता है कि मैं मीडिया को डिस्ट्रैक्ट करूँगा लेकिन के लिए पैसे लगेंगे। इसके बाद वो चेंग हाओ के पर्स एंड उसमें से सारी मनी लेकर भाग जाता है। बेचारे सबके पैसे हड़प रहा है बंदा। तो तभी लेन वहाँ पर आती है, लेन जियांग को ढूंढने के लिए जाती है। उसे लग रहा था कि जो सारे मीडिया वाले हैं उन्होंने जियांग को मिस्टेकली चेंग हाओ मान लिया है। वो अंदर एंटर करती है तो वहाँ पर चेंग हाओ रहता है। इसके बाद जो वो उसकी तरफ भागती है तो साबुन पर फिसल कर चेंग हाओ का टॉवल खींच कर नीचे गिर जाती है एंड बेचारा चेंग हाओ बिना टॉवल का हो जाता है। इसके बाद लेन भाग कर बाहर निकलती है और वो कहती है कि वो चेंग हाओ था। इसके बाद वो थोड़ी शर्माती है लेकिन वो कहती है ट्रू वाली फैन हूँ मैं, ऐसा नहीं कर सकती। फॉर दैट लेन चेंग हाओ से मिले एंड उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसके घर में घुस जाती है ताकि वो वहाँ पर थोड़ी ताकाजाही कर सके एंड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो उसे मिल ही जाए। इसके बाद चेंग हाओ से पहचान लेता है। जब उसकी कैब एंड उसका मास्क निकालता है तो वो लिन निकलती है। उसके बाद लिन से पूछता है कि जल्दी बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मुझे पता है तुम मुझे स्टॉक कर रही हो, बहुत दिनों से कर रही हो। उसके बाद लिन कहती है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। इसके बाद वो छिपने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ गिर जाते हैं एंड दे बोथ अबाउट टू किस, बट यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तक के लिए बाय बाय।